अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन चैनल बाय मंसूर अहमद। सामीन, आप सबके इलम में है, मैंने जर्मनी का जो ड्राइविंग स्कूल कोर्स होता है 1200 सवाल पे मुश्तमिल होता है। मैं डेली बेस पे कोशिश करता हूँ एक वीडियो अपलोड करूँ जो 20 सवालों पे मुश्तमिल होती है। बाज़ दफ़ा लेसन में 15 सवाल भी होते हैं, कुछ में 20 से ज़्यादा भी, 22-23 भी होते हैं। तो डेली बेस पे अपलोड करने का ये मकसद है, क्योंकि 1200 सवाल हैं, डेली बेस पे करूँगा तभी 1 महीने 1.5 महीने में ये कंप्लीट होंगी, और ताकि जो लोग इससे फ़ायदा दे रहे हैं उन्हें फ़ायदा भी हो, अगर बीच में 1-2 दिन गैप पड़ जाएगा उसे उन्हें भी नुकसान होगा। तो खुशी भी होती है जब 1 दिन 2 दिन अपलोड नहीं करता, लोग रब्ता भी करते हैं कि आज आपने अपलोड नहीं की, साथ में दूसरे टॉपिक पर भी बाज़ दफ़ा वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पुराने जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्हें भी कहूंगा कि साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल के ऊपर टिक करें, और नए आने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी इस चैनल के थ्रू मैं तमाम लोगों को जो जर्मनी में रहते हैं, जो पाकिस्तान से या डिफरेंट कंट्री से जर्मनी में आते हैं, उन्हें यहाँ के डिफरेंट लॉज होते हैं, चाहे घर लेना हो लीज़ पे बैंक के थ्रू, चाहे आपने गाड़ी लेनी है, चाहे आपने ड्राइविंग जो है वो कोर्स करना है, चाहे आपको काम के रिलेटेड मसले मसाइल हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती रहेंगी। बस आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आज हमारा तीसरा टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट होगा और आगे उसके मज़ीद जो है वो लेसन होंगे। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट्स यूज़। जो रोड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और उसका जो इस्तेमाल होता है उसका आज जो टॉपिक है वो है, और उसके आगे 4 लेसन हैं, और आज हम पहला लेसन स्टार्ट करते व्हाट हैं। आर यू अलाउड टू यूज़ द राइट हैंड शोल्डर फॉर, ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं 3 लाइनें, तो ये जो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं इसका जो राइट हैंड जो थोड़ा सा रोड बना हुआ है शोल्डर, ये आप जो है आपको इजाज़त है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं या कब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है ड्राइविंग विद सो स्लो व्हीकल, जो स्लो गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए ये बना हुआ है, स्टॉपिंग एंड पार्किंग रुकने के लिए और पार्किंग के लिए बना हुआ है, ओवरटेकिंग ओवरटेकिंग के दूसरा लिए बना ऑप्शन हुआ है है। वो इसलिए है कि यहाँ पे जो स्लो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ट्रैक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर जो चीज़ें होती हैं वो, या मोप्ड मोटरसाइकिल वो यहाँ पे चला सकते हैं, या साइकिल वगैरह स्टॉप और पार्किंग यहाँ कर सकते हैं, ओवरटेक इसलिए नहीं कर सकते जहाँ पे आपको इस तरह की लाइन नज़र आएगी जो बिल्कुल सॉलिड है सीधी जा रही है, तो ये साइन होता है यहाँ पे आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। आमिन, अगला वीडियो वाला सवाल है, चलिए देखते हैं। ये अब आगे ब्लू ट्रक है, आप ब्लू ट्रक को क्रॉस करने लगे हैं, और आगे फिर येलो ट्रक आ रहा है, अब आप आगे येलो ट्रक को क्रॉस कर रहे हैं और पीछे से एक गाड़ी आ रही है बड़ी तेज़ी से। अब ये यहाँ पे हम इसके सवाल में जाएंगे, शो आंसर, आपने पहले ब्लू को क्रॉस किया फिर येलो को, जब क्रॉस कर रहे थे स्टार्ट हो गई थी क्रॉसिंग यानी कि आधे में चले गए थे, वो पीछे से बड़ी तेज़ गाड़ी आ रही थी, अब आपने क्या करना है यहाँ हम सवाल में देखते हैं। सवाल में वो कह रहा है कि आई ब्रेक, मैं ब्रेक लगा देता हूँ बट कंटिन्यू द ओवरटेकिंग, मतलब मैं ब्रेक लगाता हूँ लेकिन कंटिन्यू भी ओवरटेकिंग रखता हूँ, मतलब ये होता है कि आप पीछे वाली गाड़ी को ये कहते हैं कि वो स्लो हो जाए, मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। सेकंड में वो कह रहा है कि आई सीज द ओवरटेकिंग मैनूवर एंड पुल बैक इन टू द राइट हैंड लेन, मैं यहाँ पे ओवरटेकिंग जो है वो नहीं करता, रोक लेता हूँ अपने आप को और मैं राइट साइड पे हो जाता हूँ। अब आप आधा ट्रक आपने क्रॉस कर लिया यहाँ पे, तो आप कभी भी आप ओवरटेकिंग ख़त्म नहीं कर सकते, आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। थर्ड में कह रहा है कि आई क्विकली कंटिन्यू द ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं जल्दी से जो है ना ओवरटेकिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। आमिन, इसका जवाब थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पे आपने जल्दी से ओवरटेकिंग कर लेनी है, और ओवरटेक आके आपने राइट साइड पे जाना है, देन पीछे वाली गाड़ी आपको ओवरटेक कर लेगी। वाला व्हाट कैन स्ट्रांग साइड विंड बी पार्टिकुलरली डेंजरस, ये जो साइड से एकदम से तेज़ हवा जो आपको आती है बाज़ जगहों पे, जैसे पुल होता है जंगल में से गुजर रहे हैं या आप किसी ट्रक को क्रॉस करती हैं, तो वो कब आपके लिए किन जगहों पे खतरनाक हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन वो कह रहा है व्हेन ड्राइविंग क्रॉस द ब्रिजेस,
जब आप पुल के ऊपर से क्रॉस कर देते हैं, गुजर देते हैं। सेकंड में कह रहा है व्हेन ड्राइविंग पास्ट फायर ब्रेक्स इन फॉरेस्ट, जब आप जंगल में से गुजरे होते हैं। जंगल में मोस्टली उन्हें इसलिए कुछ जगहों पे दरमियान से दरख्त काटे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो वो आग आगे ना फैले। तो वो ऐसी जगह से जब आप गुजर होते हैं दरख्तों के दरमियान से, ऐसी जगह से आपको हवा बड़ी तेज़ी से पड़ सकती है साइड से। जब आप थर्ड में कह रहे हैं जो है ओवरटेक कर रही हूँ ट्रक्स को, इसके तीनों ऑप्शन जो है वो जवाब हैं कि आप अगर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही हूँ, किसी जंगल में से गुजर रही हूँ, या आप दो तीन ट्रक्स को या एक ट्रक्स को क्रॉस करते हैं ट्रक को, तो तब भी आपको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल है व्हाट कैन रिजल्ट फ्रॉम ड्राइविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एट हाई स्पीड, जब आप बहुत अरसे से तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाती हूँ तो उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। ऑप्शन पे चलते हैं, योर रिएक्शन इम्प्रूव, आपका रिएक्शन इम्प्रूव होता है जब आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं। दूसरे में कह रहा है यू लूज़ योर फील फॉर स्पीड, आपकी जो स्पीड के लिए एक होती है अटेंशन होती है कि मैं कितनी स्पीड पे जा रहा हूँ, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। जब आप तेज़ चलाते हैं तो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, तेज़ जब डेली गाड़ी चलाएं तो वो एक इंसान उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। थर्ड में कह रहा है यू ड्राइव टू क्लोज टू व्हीकल इन फ्रंट, आपको आदत हो जाती है जब आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी अगली गाड़ी के करीब चली जाती है, जब आपने ओवरटेकिंग करनी होती है तो तब आप बहुत ज़्यादा पीछे गाड़ी टू क्लोज चलाने लग जाते हैं। इसका जो जवाब है वो है कि आप की जो एक मतलब फील हो करते हैं आप स्पीड स्लो है या तेज़ है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने से, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज गाड़ी चलाने के आदी हो जाते हैं अगली गाड़ी के। लेकिन ये कभी नहीं होता कि जब आप तेज़ गाड़ी चलाएं तो आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है, बल्कि वो तो कम होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। जब खुदा नास्ता कोई ऐसा मौका आता है ब्रेक लगानी पड़े, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या कोई हादसा पेश आने लगा है, तो आपका रिएक्शन टाइम तो कम हो जाता है इतनी स्पीड में जब गाड़ी होती है। तो वाला एक स्ट्रॉन्ग साइड विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द राइट, आपको राइट साइड से जो है वो स्ट्रॉन्ग हवा जो है वो आ रही है। व्हेन आर यू पार्टिकुलरली एक्सपोज टू डेंजर व्हेन ओवरटेकिंग, जब आप ओवरटेकिंग करते हैं तो आपको कब जो है वो इसका खतरे का एहसास होता है। तो ऑप्शन में कह रहा है व्हेन यू एंटर द स्लिप स्ट्रीम ऑफ द ट्रक, जब आप ट्रक के करीब ओवरटेकिंग के लिए पहुंच जाते हैं तब, क्योंकि आपको राइट साइड से हवा आ रही है, तो जब आप राइट ही जाके गाड़ी को ट्रक को क्रॉस करेंगे, पहले राइट की तरफ धकेल रही है, फिर मजीद राइट जाएंगे खतरा हो जाएगा, और या फिर आप जब इसे ट्रक को जो है वो क्रॉस कर लेते हैं जब आप मतलब लीव करते हैं तब आपको खतरा होता है। जब आप ट्रक के दरमियान पहुंच जाते हैं तो फिर तो आपको हवा नहीं ना पड़ेगी। सेकंड में ये कह रहा है, थर्ड में कह रहा है व्हेन यू चेंज द लाइन आफ्टर ओवरटेकिंग, अब ये तो नहीं है कि ओवरटेकिंग के बाद जब आप लाइन चेंज करेंगे फिर आपको खतरा हो गया, बल्कि वो तो आप लेफ्ट पे फिर जो है वो राइट पे जाएंगे ना, तो ये जो राइट से हवा आ रही है ये आपको लेफ्ट लेके जा रही है और लेफ्ट ही आपने आगे क्रॉस करना है ट्रक को, तो इसलिए आप जब ट्रक के पास उसे क्रॉस करने के लिए पहुंचेंगे या जब आप क्रॉस कर लेंगे, दोनों सूरतों में आपको जो है वो ख़तरा पेश आएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन इसका जवाब है। रोड विच व्हीकल मस्ट यूज़ द हार्ड शोल्डर वेयर पॉसिबल, मतलब जब आप मेन रोड पे ड्राइव कर रहे हैं कौन सी ऐसी जो गाड़ियां हैं, कौन सी ऐसी मतलब मोटर बाइक्स या क्या, वो कब जो है वो हार्ड शोल्डर यूज़ कर सकते हैं, कब मतलब उन्हें करना चाहिए मतलब पॉसिबल जब हो, तो कौन सी ऐसी मोटर व्हीकल्स होती हैं। तो उसमें ऑप्शन में कह रहा है मोप्ड, मोप्स जो होती हैं वो लाइक वेप्सा होती हैं जैसे पाकिस्तान में होती हैं। सेकंड में कह रहा है स्लो मूविंग एग्रीकल्चर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड मशीनरी होती है वो, और थर्ड में कह रहा है स्मॉल इंजन मोटरसाइकिल्स। जी सामिन, पहला और दूसरा ऑप्शन है, जब मेन रोड पे ड्राइव कर रही हूँ तो मोप्ड और स्लो एग्रीकल्चर जो मशीनरी ट्रैक्टर एंड हमेशा साइड पे ही मतलब तीसरी लाइन में या हार्ड शोल्डर पे जो है वो हमेशा अपनी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को चलाना है। स्मॉल इंजन जो मोटरसाइकिल होते हैं वो उनकी स्पीड मोप्ड से ज़्यादा होती है। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन आपको क्या इशारा दे रहा है। ऑप्शन में कह रहा है द प्लेस वेयर द ऑटोबान मस्ट बी एग्जिट, यहाँ से मोटरवे ख़त्म हो रही है, एंड ऑब्लिगेटरी डाइवर्जन फॉर व्हीकल्स विद डेंजरस रूट्स, यहाँ से जो ख़तरनाक गाड़ियाँ वो यहाँ से टर्न लेती हैं या मूव करती हैं, उनका यहाँ से रास्ता बना हुआ है जो ख़तरनाक जिनके चीज़ें जिनके पास होती हैं सर्जिकल आप कह सकते हैं या और इस तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं। तो थर्ड में कह रहा है एन ऑटोबान सेक्शन विच इज़ नॉर्मली नॉट यूज फॉर वेरी मच,
ये मोटरवे का एक ऐसा सेक्शन है जो नॉर्मली यूज नहीं होता। इसका जवाब है, ये नॉर्मली यूज नहीं होता, ये तभी यूज होता है जब आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। तो आपको शॉर्ट रास्ता दिया जाता है कि आप यहाँ से भी उतर सकते हैं और आगे दोबारा आप ज्वाइन मोटरवे को कर सकते हैं, या इधर से आप रास्ता ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लेना है। ये ट्रैफिक जाम में पुलिस आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए डिफरेंट जगहों पे ये शो करती हैं कि यहाँ से आप उतर सकते हैं मोटरवे से, रास्ते और आगे आप जो शहर है उसमें से गुजर के आप इस तरह अपनी मंजिल पे जा सकते हैं, या दोबारा आगे से जाके मोटरवे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला वीडियो सवाल है, चलिए वीडियो की तरफ जाते हैं। अब आप ये देखें, आगे ब्लू कार है और आगे एक वाइट ट्रक है, उससे आगे भी गाड़ी है और पीछे से आपको लाइटें मार या गाड़ी के मुझे रास्ता दो। अब आप राइट पे नहीं हो सकते, गाड़ियां हैं। अब आपने देखना है कि राइट आपने कब होना है। मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ, ये रेड को आपने क्रॉस किया, आगे ब्लू आ रही है, ब्लू से आगे वाइट एक ट्रक, मिनी ट्रक है, और मिनी ट्रक से आगे एक और गाड़ी है। अब आप राइट पे कब जाएंगे, जब आपको मौका मिलेगा। वो राइट से आगे गाड़ी होगी है, अब वाइट ट्रैक को आप क्रॉस करेंगे इसको, देन आप इसे रास्ता देंगे। कह रहा आई एवर टेक द वैन, ये जो वाइट वैन है, एंड देन मूव इन टू द मिडल लेन, तब मैं दरमियान वाले लेन में जाऊंगा। सेकंड में कह रहा है आई ब्रेक स्लाइडली टू प्रूव द व्हीकल बिहाइंड टू कीप इट डिस्टेंस। ये तो नहीं होता पीछे से गाड़ी तेज आ रही है, आप ब्रेक लगा दें कि तुम पीछे हो जाओ, मुझे पीछे से लाइट ना मारो, वो तेज़ी से आ रही है। थर्ड में कह रहा है आई मूव इमिडिएटली इन टू द लैंड इन टू द राइट। अब आप राइट साइड पे एकदम तो नहीं जा सकते, राइट पे गाड़ियां चल रही हैं। अब आपने राइट पे, जब आपको ऑप्शन मिलनी है तभी आपने राइट पे जाना है। पहला इसका ऑप्शन है कि आई ओवर टेक द वैन एंड देन मूव इन टू द मिडल लैन, आप मिनी ट्रक जो वैन है उसे क्रॉस करेंगे, देन आप मिडल लैन में जाएंगे और पीछे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त देंगे। मस्ट यू बी अवेयर ऑफ हेयर, आपको यहाँ पे किस लिहाज से अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में कह रहा है स्लो मूविंग व्हीकल मस्ट यूज़ द हार्ड शोल्डर इफ पॉसिबल, कि जो स्लो मूविंग व्हीकल है, वो तो हमने पहले भी सवाल में पढ़ा है कि स्लो मूविंग व्हीकल जो है, गाड़ियाँ जो हैं, वो हार्ड शोल्डर होता है जो रोड के साथ जो जगह होती है, या छोटा सा रोड बना होता है, जैसे ये बना हुआ है और लेफ्ट पे ये थोड़ा सा बना हुआ है, तो ये स्लो मूविंग व्हीकल जो है ना, वो यूज़ कर सकती हैं। सेकंड में कह रहा है इट इज़ नॉट परमिटेड टू स्टॉप टू द लेफ्ट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ द कैरेज वे। अब यहाँ पे हम जैसे जा रहे हैं, हमने राइट पे रुक सकते हैं, लेफ्ट पे तो हम वैसे भी नहीं रुक सकते, और लेफ्ट पे वैसे भी वो हार्ड शोल्डर है भी छोटा सा है, उसमें इतनी जगह भी नहीं है, और वैसे भी जब राइट जा रहे हैं तो राइट साइड पे आप पार्किंग कर सकते हैं और रुक सकते हैं। थर्ड में कह रहा है ड्राइविंग क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द कैरी वे इज़ प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम, वो कह रहा है ड्राइविंग क्रॉस द बाउंड्री लाइन जो है वो ऑल द टाइम प्रोहिबिटेड है। अब ये नहीं है कि ये बेशक यहाँ पर ट्रेक आप नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत के तहत अगर आपको जाना पड़े तो आप उस साइड पे जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के तहत है, जब मजबूरी को ऐसी हो जाए। दूसरा ऑप्शन है कि ये स्लो मूविंग व्हीकल के लिए होता है हार्ड शोल्डर, और आपको इजाज़त नहीं है कि आप लेफ्ट साइड की जो बाउंड्री या हार्ड शोल्डर है वहाँ पे आप जो है वो जाके पार्किंग करें या रुकें वहाँ पे। बट डू यू हैव टू अवेयर ऑफ इन दिस ट्रैफिक सिचुएशन, यहाँ पे आपको क्या अवेयर होना होगा, ये आपको सॉलिड लाइन नज़र आ रही है, इसका आपको पहले मैंने मतलब बताया कि यहाँ पे क्रॉसिंग मना है। ऑप्शन में जाते हैं आई मे क्रॉस द लैंड मार्किंग इन ऑर्डर टू ओवरटेक, मैं जो है वो लैंड मार्किंग जो है ना ओवरटेक लैंड मार्किंग राइट, मैं यहाँ पे जो है ना वो क्रॉस करूँगा, ओवरटेकिंग करिए लैंड मार्किंग को, लेफ्ट पे जाके क्रॉस करके उसे ओवरटेक करूँगा। आई मे नॉट क्रॉस द लैंड मार्किंग, मैं लैंड मार्किंग को क्रॉस नहीं करूँगा। आई मे क्रॉस द लैंड मार्किंग इफ ऑनकमिंग ट्रैफिक परमिट दिस, अब ये तो नहीं होता कि अगली ट्रैफिक आपको इजाज़त दे रही है जी क्रॉसिंग कर लें, लेकिन रूल रूल ही होते हैं, कानून कानून ही होता है। ये जो सॉलिड लाइन है यहाँ पे क्रॉसिंग आप ओवरटेक आप कर ही नहीं सकते, बेशक अगली ट्रैफिक दूर भी या नहीं भी आ रही, आपने यहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं करनी। दूसरा ऑप्शन इसका जवाब है कि आपने यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं करनी, लैंड मार्किंग को तोड़ के आपने क्रॉसिंग नहीं करनी। यू रिकॉन विद ऑन दिस ऑटोबान कार पार्क, अब ये मोटरवे पे एक कार पार्किंग या रेस्ट करने के लिए बना होता है, यहाँ पे आपने क्या एहतियात करनी है। ऑप्शन में कह रहा है डेंजर ऑफ स्किडिंग व्हेन यू ब्रेक, यहाँ पे अब बारिश हो रही है, अब आप ब्रेक लगाएंगे मे बी आप स्लिप कर सकती है आप गाड़ी। सेकंड में कह रहा है ऑनकमिंग ट्रैफिक, आगे से ट्रैफिक आ सकती है। थर्ड
थर्ड में कह रहा है पीपल सडनली स्टेपिंग ऑन टू द रोड, लोग में भी एकदम गाड़ी से बाहर निकले, ये भी आपको याद रखनी होगी। तीसरा ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पार्किंग के लिए रुकें, आगे से भी आ जाए, मोटरवे पर हमेशा जो है वो अगर ये आप जा रहे हैं तो इस तरफ आपकी पार्किंग है, जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है उनकी दूसरी तरफ पार्किंग होगी, तो यहाँ पे अगली ट्रैफिक के आने का खतरा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिसलन हो सकती है बारिश की वजह से और लोग एकदम से गाड़ियों से बाहर बाहर निकल सकते हैं, रुके हैं, तो ये आपको याद रखनी होगी। सवाल है, आर यू अलाउड टू ओवरटेक द ब्लैक कार ऑन दिस ऑटोबान ऑन द राइट। अब क्या आप इस गाड़ी को राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं? तो ऑप्शन में कह रहा है येस इफ़ यू डू नॉट ड्राइव फास्टर दैन 80 किलोमीटर, हाँ अगर आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में नहीं है। सेकंड में कह रहा है येस बिकॉज देयर इज़ एनफ स्पेस टू ओवरटेक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवर स्पेस है, जगह है, आप ओवरटेक कर सकते हैं। थर्ड में कह रहा है नो बिकॉज देयर इज़ नो क्यू ऑफ व्हीकल इन द लेफ्ट लेन, आप नहीं कर सकते राइट से क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो है वो कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई लाइन नहीं लगी हुई, आप लेफ्ट साइड से पार जो है से ओवरटेक करें। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका जवाब है। अगला वीडियो सवाल आ गया, प्ले करते हैं। ये देखें येलो ट्रक है, अब आप येलो ट्रक को क्रॉस करने लगे हैं, इशारा आप यहाँ पे देंगे लेफ़्ट साइड का, और ये देखें अब आप लेफ़्ट साइड पे क्रॉस करने लगे हैं और पीछे से वो रेड गाड़ी आ गई है, अभी आपने क्रॉस नहीं किया, उसने लाइटें ऑन की हुई हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? ऑप्शन में कह रहा है आई मेंटेन माई स्पीड एंड कंटिन्यू ओवरटेकिंग मैनेवर, मैं अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखूंगा और ओवरटेक करूंगा। सेकंड में कह रहा है आई एक्सेलेरेट एंड क्विकली कंटिन्यू ओवरटेक, मैं स्पीड और ज़्यादा दूंगा और तेज़ ओवरटेक कर लूंगा। थर्ड में कह रहा है आई सीज द ओवरटेकिंग मैनेवर एंड रिमेन बिहाइंड द ट्रैक, मैं ओवरटेकिंग का इरादा तर्क कर देता हूँ और ट्रक के पीछे रहता हूँ। थर्ड ऑप्शन इसका जवाब है, अभी आपने ओवरटेक नहीं किया था, आप करने लगे थे, पीछे थे भी तो गाड़ी आ गई है, तो अब आप उसे ओवरटेक कर लेने दें, वो तेज़ी में है, आप ओवरटेक का इरादा यहाँ छोड़ दें। सामीन आ रहा है हाउ कैन यू टेल द शॉर्टेस्ट वे टू द नेक्स्ट एमरजेंसी टेलीफोन ऑन फेडरल मोटरवे, आप मोटरवे पे किसी को अगले टेलीफोन एमरजेंसी का कैसे बता सकते हैं, क्या इशारा उसका होता है निशान? बाय द डायरेक्शन मार्किंग ऑन द गार्ड रेल्स, जो गार्ड रेल्स आज पे होती हैं उन पे मार्किंग जो होती है उसके ज़रिए बता सकते हैं। ब्लैक एरोज ऑन द डेलिनेटर्स, आपको हमेशा इस तरह का एक ऐसे नज़र आएगा, ऐसे ऐसे वो लोहे के ऊपर, उसके ऊपर ब्लैक ऐसे ऐसे पट्टी होती है, उसके ज़रिए बताएंगे। थर्ड में कह रहा है ग्राउंड मार्किंग ऑन द हार्ड शोल्डर पे जो है ग्राउंड मार्किंग के थ्रू आप बताएंगे। अब है कि ब्लैक एरोज ऑन द डिलाइनेटर्स, उसके ज़रिए आप उन्हें शॉर्टेस्ट वे बताएंगे कि नेक्स्ट टेलीफोन बूथ कहाँ पर है मोटरवे पे। यू हैव बिन ड्राइविंग एट हाई स्पीड फॉर सम टाइम, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, व्हाट इफेक्ट कैन दिस हैव, इसके क्या असरात पड़ते हैं? ऑप्शन में है जी फील फॉर द राइट स्पीड एंड बेंड ग्रो, आपकी जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे राइट स्पीड की जो फील होती है वो आपकी जो है वो ग्रो कर जाती है। सेकंड में कह रहा है यू लूज़ योर फील फॉर स्पीड, आपकी जो एक टेंशन होती है स्पीड के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ बहुत ज़्यादा कम स्पीड में, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। थर्ड में कह रहा है योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन डायमेंशन, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है गाड़ी को रखने की, गाड़ी चला रहे हैं आप कौन सी लाइन में हैं, या वो आपकी ख़त्म हो जाती है क्योंकि इतनी गाड़ी तेज़ होती है कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी आपकी गाड़ी आपकी रिएक्शन टाइम से ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। थर्ड इसका ऑप्शन है, ये कभी भी नहीं होता कि आपकी जो फील है वो राइट स्पीड वो आपका बैंड में कॉर्नर जब आ रहा है कहीं पे तो आपकी वो तवज्जो यानी कि सही फिट होती है कि आपको पता होता है कितनी स्पीड में आपने गाड़ी रखनी है, तो ये होता है कि आपकी लूज़ जो है वो फील जो है स्पीड के लिए वो ख़त्म हो जाती है और कंसनट्रेशन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है गाड़ी के ऊपर। यू वॉन्ट टू ओवरटेक, वाट इज़ द राइट थिंग टू डू, अब आप साइकिल को क्रॉस करना चाहते हैं, अब देखें आपको लेफ़्ट साइड पे पहली लाइन में नज़र आ रहा है कि लाइन एक लाइन और फसले फिर अगली लाइन, उसके साथ आगे जो है उसका मतलब ये है कि दूसरी ट्रैफिक वाले जो हैं वो ओवरटेक नहीं कर सकते, यहाँ पे राइट साइड वाले जो ट्रैफिक है वो ओवरटेक कर सकते हैं। अब ऑप्शन में क्या कह रहा है आई मे ओनली ओवरटेक इफ़ आई रिमेन इन द राइट हैंड लेन वाइल डूइंग सो, कि मैं इसे ओवरटेक तभी कर सकता हूँ कि जब मैं राइट साइड पर ही रहूँ, लेफ्ट पे मेरा टायर बिल्कुल ना जाए। सेकंड में कह रहा है आई मे ओवरटेक मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, आई मे ना ओवरटेक मैं यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकता।
मीन यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं, जो लेफ्ट साइड पे गाड़ी आ रही है वो ओवरटेक नहीं कर सकती, राइट वाली जो है वो ओवरटेक कर सकती हैं। सेकंड ऑप्शन इसका जवाब है। सवाल है, व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ ऑन दिस प्रायोरिटी रोड। ये आपको येलो अगर प्लेट नज़र आ रही है, इसका मतलब होता है ये आपका फोकियत का रोड है, आपका प्रायोरिटी, आपका हक है यहाँ पे। लेकिन साथ आपको ये सॉलिड लाइन नज़र आ रही है। अब ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना होगा, पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ पे पार्किंग मना है। यू मे नॉट क्रॉस द लैंड मार्किंग, आप लैंड मार्किंग को क्रॉस नहीं कर सकते। थर्ड में कह रहा है, पार्किंग इज़ परमिटेड इफ़ देयर इज़ ए क्लियर स्पेस एट लीस्ट 3 मीटर बिटवीन ए पार्क कार एंड द लैंड मार्किंग, कि पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी और ये जो लास्ट पे लाइन होती है इसका और आपकी गाड़ी का फासला 3 मीटर का हो। और दूसरा ऑप्शन इसका जवाब है, पार्किंग हमेशा प्रायोरिटी रोड पे आउटसाइड बिल्टअप एरिया जो होता है, यानी कि मेन रोड जो होते हैं, अगर बादी वाला इलाका हो वहाँ पे प्रायोरिटी रोड हो वहाँ पार्किंग कर सकते हैं, इस जगहों पे आप पार्किंग नहीं कर सकते, यहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ होती हैं और यहाँ पे आप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, ये सॉलिड लाइन है इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ शहरी इलाका हो, वहाँ पे अगर प्रायोरिटी रोड है तो वहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है कि गाड़ी आपकी जहाँ पार्क हो रही है उधर से और जो हार शोल्डर की वाइड लाइन है इनके दरमियान 3 मीटर का फासला कम से कम होना चाहिए। फिर एक वीडियो क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं, उससे आगे गाड़ी है, फिर आगे ब्लू कार भी है, एक पिंकिश कार भी है पीछे से, वो आपको कह रहा है कि मुझे ओवरटेकिंग करने दो। अब आपने यही करना है कि आगे गाड़ियों का ओवरटेक करेंगे देन आप इसे रास्ता देंगे। अब हम इसमें जाते हैं शो आंसर में, तो वो कह रहा है कि आई ओवरटेक द रेड वैन एंड देन मूव इनटू द मिडल लेन। अब रेड से आगे ब्लू कार भी है। सेकंड में कह रहा है आई ब्रेक स्लाइडली टू प्रूव द व्हीकल बिहाइंड कीप इट्स डिस्टेंस। अब ये तो नहीं आपने ब्रेक लगानी है पीछे वाली गाड़ी को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए कि भाई स्लो हो जाओ, इतनी लाइटें ना मारो। थर्ड में वो कह रहा है आई ओवरटेक द ब्लू कार एंड देन मूव इन टू द मिडल लेन। अब इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। व्हाट डू यू हैव टू ऑब्जर्व इन ए ट्रैफिक सिचुएशन लाइक दिस। अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व करना है, ये मोटरसाइकिल ख़राब है जा रहा है, लेकिन इस रोड पे आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है आई क्रॉस द सेंटर लाइन इन ऑर्डर टू पास बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, मैं यहाँ से ओवरटेक कर सकता हूँ, आगे मोटरसाइकिल है उसे क्रॉस करने के लिए। सेकंड में कह रहा है आई मे नॉट क्रॉस द सेंटर लाइन इफ़ दिस वुड इन डेंजर अदर ट्रैफिक, मैं ओवरटेक यहाँ नहीं करूँगा अगर आगे से ट्रैफिक आ जाए। अब डेफिनेटली आगे से ट्रैफिक आएगी तो आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। थर्ड में कह रहा है आई मे क्रॉस द सेंटर लाइन इन ऑर्डर टू ओवरटेक, मैं सेंटर लाइन पे तभी जाऊंगा जब मैंने मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना है। इसके तीनों ऑप्शन हैं कि आपने ओवरटेक से कर सकते हैं, आप ओवरटेक नहीं करेंगे अगर ट्रैफिक खतरे में है, और आप इसको दरमियान में लैंड को बिल्कुल आराम से ओवरटेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई जो है वो ख़तरा नहीं है क्योंकि ये लाइन सॉलिड लाइन नहीं है। तो जी सामीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन जो है वो पसंद आया होगा और आपको जो है इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जी सामीन, फ़ायदा उम्मीद हुआ। करता हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो को जो है वो डेली बेस पे देखा करें, इंशाल्लाह आप विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में इंशाल्लाह आपका ड्राइविंग कोर्स आसानी से हो जाएगा। तो अपनी नई अगली आने वाली वीडियो तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।